Assalamualaikum friends, it's Shoaib here from fxforever.com and guys, आज की वीडियो में हम RSI के बारे में सीखेंगे कि RSI को यूज़ करते हुए यानी इस स्ट्रेटजी को अगर हम अप्लाई करें अपने MT4 के चार्ट पे, तो उससे हम किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस, ये RSI जो है ये एक ऑसिलेटर मोमेंटम इंडिकेटर है, जिससे आपको ये पता लगता है कि आपने एंट्री कब लेनी है और क्लोज कब करना है, ठीक है। जो कि बहुत ही मतलब कि बड़ी प्रॉब्लम रहती है जितने भी ट्रेडर्स हैं, आप अगर खुद ट्रेडर हैं आपको खुद पता होगा कि आप अगर कहीं से एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये नहीं पता होता कि एंट्री लेनी किधर से, और अगर आप कभी गलती से कोई चीज़ समझ कर अगर एंट्री ले भी लेते हैं तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि यार कितना प्रॉफिट गेन कर लेने के बाद मुझे अपनी पोजीशन क्लोज़ कर देनी चाहिए। तो वो आज हम सीखेंगे कि आपने मार्केट में इंटर कैसे होना है और एग्ज़िट किस तरह से होना है। तो गाइस, बड़ी ही सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत ही एक आसान सा एक छोटा सा ये टॉपिक है, एक बहुत ही शॉर्ट स्ट्रेटजी है, इजी सी। अगर आप इसको आज समझ लेते हैं तो समझ लें कि आपको इंट्री और एग्ज़िट मार्केट में होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको RSI में एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूँ जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको डबल कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि यार मैं जो एंट्री या एग्ज़िट करूँगा तो ये मैं ठीक करूँगा या नहीं, उसकी आपको डबल कन्फर्मेशन भी मिल जाएगी। जैसे मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में मूविंग एवरेज के आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो मैंने आपको दो मूविंग एवरेज ड्रॉ करवाई थी, ठीक है, याद है आपको, मैंने दो अलग अलग पीरियड्स की मूविंग एवरेज ड्रॉ करवाई थी जिससे आपको कन्फर्मेशन मिल रही थी। एक से तो आपको ट्रेंड का पता लग रहा था और दूसरी से आपको कन्फर्मेशन मिल रही थी ताकि आप 100% श्योर होकर अपनी पोजीशन ओपन करें। तो इसी तरह से आपके खुद पर कॉन्फिडेंस हो, यानी जो आप पोजीशन ओपन करते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ ओपन करें, तो इसलिए मैं आपको RSI में भी आज एक ट्रिक बताने लगा हूं। तो गाइस, RSI की फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है और ये आपको मार्केट का मोमेंटम बताता है, यानी मूवमेंट मार्केट का बता रहा होता है कि मार्केट ने अब बाय जाना है या सेल जाना है और जाना है तो कब तक जाना है। ये भी लाइक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी इसको कह सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको यही बताता है कि आपने कब मार्केट में इंटर होना है कब एग्जिट होना है, उसी तरह से RSI का भी किरदार वैसा ही है। सो गाइज, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com, आप इसको डेली विजिट करें, यहाँ पर आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स मिलते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे एक सेक्शन बना हुआ है फॉरेक्स सिग्नल्स का, यहाँ पर हमारे फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स पोस्ट होते हैं। इसके अलावा आप अगर फॉरेक्स ट्रेनिंग में जाएं तो यहाँ पर आपको बेसिक्स नॉलेज मिल जाएंगी फॉरेक्स ट्रेनिंग के बारे में, और ये हमारी एक और न्यू कैटेगरी है फॉरेक्स वीडियोस इन उर्दू। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही पेज ओपन करें और उधर ही आपको हमारी सारी की सारी वीडियोस मिल जाए, तो ये वही पेज है। अगर आप इस पेज को ओपन कर देते हैं, या तो मैं कहता हूं कि आप इस पेज को बुकमार्क कर लें अपने ब्राउज़र में, आप डेली जस्ट इस पेज को ओपन करें, यहाँ पर हमारी जो जो ट्रेनिंग वीडियोज़ बनती हैं वो सारी की सारी यहीं अपलोड होती हैं, ठीक है गाइस। ये हमारा YouTube चैनल है fxforever, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारी सारी की सारी वीडियोस यहीं पर अपलोड होती है, और ये वाली वीडियोस भी मैं यहीं पर अपलोड करूंगा। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो ये देखिए, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी, यहाँ पर मैं ये वाली वीडियो भी इधर ही अपलोड करूंगा इसी प्लेलिस्ट में। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ भी आएंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। मैंने पहले ये बताया कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स अकाउंट किस तरह ओपन करते हैं, ब्रोकर क्या है और किस तरह से एक अच्छा ब्रोकर तलाश किया जाता है, उसके बाद फिर मैंने आपको जब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए जो कि इस प्लेलिस्ट में है, उसके बाद फिर मैंने आपको MT4 यूज़ करना सिखाया पूरी, मतलब कि ये समझ लें बिगनर्स अगर कोई हो तो MT4 पूरा चलाना सीख सकता है इस प्लेलिस्ट को वॉच करके। अब उसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस में आया हूँ और इसका मैंने एक कोर्स अभी बन रहा है, इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि हम क्या क्या सिखाने वाले हैं आपको, और बहुत जल्द ये भी कवर करके फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आएंगे। उसी के साथ ये गाइस, हमारा फेसबुक का पेज है fxforever.com facebook.com/fxforever, ये आप डेली सुबह में विज़िट किया करें क्योंकि यहाँ पर हम न्यूज़ के इम्पैक्ट्स डालते हैं। ये देखें, आज भी हमने एक न्यूज़ डाली, ये देखें दो न्यूज़ आई थी आज, और ये हमने न्यूज़ भी अपलोड कर दी है। इसके अलावा हमारे सिग्नल्स भी यहाँ पर पोस्ट होते हैं, थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करें तो आपको हमारे सिग्नल्स भी दिखा देंगे। ये देखें, एक हमारी ये इमेज भी है USDJPY का, भी हमने सिग्नल दिया था, और भी अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कोई हमारी अनाउंसमेंट होती है या कोई ऑफर होती है तो भी सारी की सारी यहाँ पर अपलोड हो रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट, हमारा YouTube चैनल और हमारा Facebook पेज को बुकमार्क कर लीजिए। अगर आप Ctrl D का बटन दबाते हैं, Ctrl+D,
तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। यहाँ से आपने चूज़ अनदर फोल्डर पे क्लिक करना है और इधर से आपने एक न्यू फोल्डर बना लेना है FXF के नाम से, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। सेम वही काम आपने YouTube चैनल पे करना है, YouTube चैनल ओपन करना है, कंट्रोल डी दबाना है और यहाँ पर बुकमार्क बार, यहाँ पर FXF कर देना है और ये रहा डन। फिर हमारा फेसबुक पेज, कंट्रोल डी, FXF यहाँ पे पहले से ही आ गया है, ये रहा डन। अब देखें इससे क्या होगा, अब आप अगर न्यू टैब ओपन करते हैं तो ये देखें यहाँ पर एक फोल्डर बन गया FXF का। अब आपने डेली सुबह क्या करना है, आपने आना है यहाँ पर हमारी वेबसाइट चेक करनी है कि आज हमने कोई सिग्नल दिया या नहीं दिया, हमारे यूट्यूब चैनल चेक करना है कि हमने कोई वीडियोस अपलोड करी या नहीं करी, और जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो हम आपको ईमेल भी करते हैं। तो अगर आपने अपनी ईमेल एड्रेस नहीं दी तो आप हमें काइंडली इनबॉक्स कर दें ताकि हम भी आपको अपने जो ईमेल लिस्ट है उसमें आपका भी ईमेल ऐड कर दें। और उसके बाद फिर हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पर आप न्यूज़ इंपैक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये यानी कि तीनों लिंक्स आपके मतलब क्विकली एक्सेस में आ जाएगी, आप यहाँ से आराम से इजीली हमारे ये तीनों सर्विसेज जो हैं ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि RSI से आप किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने अपना टर्मिनल ऑन करा है XM की वेबसाइट से जो मैंने डाउनलोड किया था। अब ये देखें, मैंने चार्ट जो मेरा ओपन हुआ है यूरो यूएसडी है और यहाँ पर H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मैं आपको H1 पे ही बता देता हूँ। अब आपने सबसे पहले अपना नेविगेटर विंडो ओपन करना है, ये देखें नेविगेटर, इसकी एक शॉर्ट की भी है कंट्रोल N, अगर आप चाहे तो उससे भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके भी आपका नेविगेटर विंडो ओपन हो जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर इंडिकेटर्स में आना है, ये हो सकता है आपके माइनस में हो, आपने इसको प्लस कर देना है तो इसकी सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपने ऑसिलेटर में जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि RSI एक ऑसिलेटर इंडिकेटर है, सही मोमेंटम को डिटरमाइन करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये ऑसिलेटर के फोल्डर में है, इसको आपने यहाँ से ओपन करा, यहाँ पर देखें गाइस ये रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI। अब इसको आपने ड्रैग करना है अपने चार्ट पर, ठीक है। ये देखें अपने चार्ट पर आप छोड़ेंगे तो ये कुछ आपसे चीज़ें पूछेगा, ये आपने वैसे ही छोड़ देना। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 14 का पीरियड है, आप इसको 14 का पीरियड ही रहने दें, बाकी अप्लाई टू क्लोज़, बाकी सारी की सारी सेटिंग यहाँ पर ठीक है। बस यहाँ पर आपने लेवल्स में आ जाना है और लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 30 और 70 का लेवल दिखाई देगा। बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे कि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ 70 और 30 आ रहा होगा, यहाँ पर आपको एक और लेवल ऐड करना है। अगर एक और लेवल आपका 50 का ऐड है तो ठीक है, आप ओके करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ पर कहना है कि मुझे 50 का भी लेवल चाहिए। ये देखें गाइस, यहाँ पे मैंने 50 लिखा और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। तो अब ये देखें गाइस, मेरे पास एक ऑसिलेटर मोमेंटम आ चुका है जो कि RSI है। और अब हम सीखेंगे कि ये काम किस तरह से करता है। अब मैं अपना नेविगेटर विंडो हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास चार्ट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा विजिबल हो। और ये देखें, इसको थोड़ा ऊपर भी कर देता हूँ। अब देखें गाइस, यहाँ पर इस जगह पर चेक कीजिए, ये वाली जो ग्राफ चल रहा था मार्केट का, इसने इस वाइट वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई, ठीक है। ये जो नीचे आई ये इसका बॉटम है, ठीक है, ये इसका बॉटम पॉइंट है। अब यहाँ पर जब भी मार्केट आएगी तो अब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है और ऊपर की तरफ जाना है। अब ये देखें, यहाँ पर आई जो कि इसका बॉटम था, अब यहाँ बॉटम पॉइंट पे आने के बाद ये मार्केट ऊपर गई और फाइनली ये ऊपर टच हो गई। अब ये लाइन, ये वाली जो वाइट लाइन है, ये वाली लाइन इसके लिए टॉप है। अब जब यहाँ टॉप पर मार्केट आ जाती है तो अब इसने वापसी नीचे जाना है। ये देखें, यहाँ पर टॉप पे गई, अब ये देखें मार्केट गई नीचे, गई यहाँ पर आई और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन इसने अभी बॉटम को बिल्कुल ठीक तरह से टच नहीं करा। अभी मैं इसका भी आपको कंफर्मेशन एक बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे चल के मैं आपको इसका भी बताता हूँ कि किस तरह आप श्योर सिग्नल लेकर एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पोजिशन ओपन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, इधर इसका टॉप लगा मार्केट का, यहाँ पे इसका टॉप लगा और ये देखें ये नीचे आई और यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर इसका बॉटम लगा, ये ऊपर गई 50 वाले अपने पोजीशन पे, 50 वाली अपने लेवल पे, और उसके बाद ये दोबारा डाउन होगा। अभी 50 लेवल का भी मैं आपको समझाता हूँ, 50 लेवल पे दोबारा डाउन, अब ये दोबारा ऊपर गई 50 लेवल का, इसने क्रॉस करा और ऊपर चली गई। अब देखें गाइस, मैं कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ अपने चार्ट में ताकि आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये था इसका बॉटम, एक और लाइन लेता हूँ, ये है इसका
टॉप, एक और लाइन मैंने लिया, ये है इसका टॉप, एक और लाइन ये रहा भैया इसका बॉटम, और ये रहा इसका अगेन टॉप। और अब मार्केट आगे जाएगी तो ज़ाहिर है दोबारा बॉटम पे लगेगी क्योंकि उसने टॉप को टच कर लिया है। तो ये देखें गाइस, यहाँ से मैं अपना क्रॉस हेड ले लेता हूँ। ये देखें, जब भी मार्केट बॉटम पे जाती है यानी इस वाइट वाली लाइन पर चली जाती है या से थोड़ा सा नीचे चली जाती है, तो फिर आपने ये बात आपके जहन में आ जानी चाहिए कि यार अब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है, यानी ये जितना नीचे इसने जाना था वो जा चुकी है, अब इसने अगेन ऊपर आना है। तो ये देखें, ये वाकई में ऊपर आई भी, ठीक है, ये देखें ये वाकई में ऊपर आई भी, H1 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका टॉप लगा, ये अगेन नीचे गई। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे नहीं आई, मैं इसका बताऊँगा आपको अभी बाद में। ये यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला जो इसका टॉप है, यहाँ पे इसका टॉप लगा, ये यहाँ पर डाउन आई, उसके बाद यहाँ पे इसका बॉटम लगा और ये दोबारा से ऊपर गई। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर तीन लाइन्स है, ठीक है, यहाँ पर तीन लाइन ड्रॉ हुई हैं। पहली वाली लाइन इसका बॉटम है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है मार्केट का टॉप है, और मिडल वाली जो लाइन है ये कन्फर्मेशन लाइन है, ये बताती है कि मार्केट ने अब लगातार और इसी ट्रेंड में चलना है या नहीं। देखें, मैं आपको समझाता हूँ, ये रहा इसका बॉटम, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई इस मिडल वाली लाइन तक, तो हमने वेट करना है ये देखने के लिए कि यार ये मिडल वाली लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा ऊपर चली जाती है या नहीं, ठीक है। ये देखें, इतना इतना ऊपर कम से कम आ जाए। अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो ये वाली लाइन आपका TP1 है और ये वाली लाइन आपकी TP2 है। तो अब आपने देखा ये बॉटम पे लगा, ये ऊपर गई और उसने 50 वाली लाइन को भी क्रॉस कर दी, इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि अब ये नेक्स्ट वाली लाइन तक भी जाएगा। ये देखें, ये 50 वाली लाइन को क्रॉस करके इतना ऊपर आ गई मार्केट, इसका मतलब है कि अब इसने लाजमी ऊपर वाली लाइन को टच करना है। ये देखें, यहाँ पर इसने इस लाइन को टच कर ही दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसने ऊपर वाली लाइन को टच कर दिया तो यानी कि ये इसका टॉप है, अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है। और ये देखें, वाकई में ट्रेंड चेंज हुआ अभी। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट गई, इसने इस मिड वाली लाइन को भी क्रॉस करा जो कि 50 की लाइन थी, और इस लाइन को क्रॉस करने के बाद ये नीचे भी आई, लेकिन ये टोटली नीचे नहीं गई क्योंकि जब इसने 50 वाली लाइन को क्रॉस किया तो हमने सोचा कि यार अब मार्केट नीचे भी बॉटम लगाएगी, लेकिन इसने नहीं लगाई। अभी मैं इसका आपको बताऊंगा जब मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा RSI की अभी थोड़ी देर में, तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये क्यों नहीं हुआ और उसको आप किस तरह से समझ सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं, तो ये देखें यहाँ पर टॉप लगा, फिर मार्केट गई और इस 50 वाली लाइन को इसने क्रॉस भी करा, लेकिन यहाँ पर देखें इसने जस्ट थोड़ा सा नीचे आई 50 वाली लाइन से, जो कि हमें एक परफेक्ट सिग्नल नहीं दे रही। अगर ये वाली इस मार्केट को आप देखते हैं तो ये देखें, ये नीचे आई और इतनी नीचे गई, देख रहे हैं ये इतनी नीचे आई, तो फिर हमें सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई मार्केट ने अब डाउन जाना है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर जस्ट इतनी सी नीचे आई, आपने इसका थोड़ा वेट करना है कि यहाँ तक कम से कम आ जाए, ठीक है। अब ये इतनी सी नीचे आई, देखिए मार्केट ऊपर आई नहीं, आपने यहाँ पर यानी कि आपके अगर TP1 होगी तो TP1 तो आपकी हिट हो गई, ठीक है। अब ये मार्केट दोबारा ऊपर गई, अब अगर ये नीचे आई, ये देखें अब जैसे ही इसने इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ तक आ गई, तो अब आपने कहना है कि हाँ भाई यहाँ तक अगर आ जाती है तो आपने कहना है हाँ भाई अब इसने नीचे वाली लाइन तक जाना है। और ये देखें, ये वाकई में नीचे वाली लाइन तक गई भी, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो ये आपका TP है, ये TP पॉइंट है आपका, यहाँ पर TP हिट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से इसने मिड वाली लाइन तक गई, आपकी TP1 हिट हो गई, क्योंकि जैसे ही इसने इस नीचे वाली लाइन को टच करा तब तो आपने कहा कि हाँ भाई अब तो कंफर्म सिग्नल मिल गया कि अब इसने मिड वाली लाइन, ऊपर वाली तक जाए ना जाए लेकिन मिड वाली तक तो ज़रूर जाएगी। तो ये देखें, मिड वन पर अगर आपकी TP1 है तो आपकी TP1 हिट हो गई, और क्योंकि ज़्यादा मार्केट इससे ऊपर नहीं आई, तकरीबन यहाँ तक आनी चाहिए थी मगर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट का इरादा नहीं है ऊपर आने का। अभी वापसी नीचे चली गई और यहाँ पे दोबारा इसका बॉटम लगा। अब आपने दोबारा कहा कि यार दोबारा मेरी TP जो 1 है वो हिट होनी है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, इधर अपनी TP इस लाइन पे TP1 सेट कर दी, तो ये देखें आपकी एक और TP यहाँ पे हिट हो गई। और उसके बाद फिर जब आपने देखा कि इस मिड वाली लाइन को क्रॉस करके हमारी मार्केट थोड़ी सी ऊपर आ गई यानी इतनी आ गई, आपने यहाँ पर अपनी एक और एंट्री ले ली और यहाँ पर एक और TP अपनी सेट कर दी, एक और आपकी TP हिट हो गई। अब यहाँ पर देखें यहाँ क्या हुआ, ये मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर चली गई, ठीक है। ये देखें, इस लाइन ये रही और ये मार्केट यहाँ पहुँच गई, ये इसका टॉप है, ठीक है। अब यहाँ टॉप पर चली गई तो अब लाजमी है कि मार्केट ने डाउन आना है। अब जैसे ये डाउन होकर नीचे आई, आपने यहाँ से अपनी ट्रेड लगा दी।
ये देखें, आपने अगर यहाँ से एंट्री ली तो ये पोजीशन यहाँ तक आपके फेवर में गई, उसके बाद ये आपके अगेंस्ट गई। खैर अगेंस्ट भी नहीं कह सकते, ये आपका एंट्री पॉइंट ही तक हो गया, या तो SLB या अगर लॉस भी होगा तो कुछ आई थिंक 1 या 2 pips का होगा। फिर ये देखें, यहाँ से ये आई मार्केट नीचे और इतनी लाइन को उसने क्रॉस कर दिया ना, इतनी नीचे आ गई। आपने कहा कि यार इतनी, ये देखें इतनी नीचे आ गई, आपने कहा यार अब तो इसने डाउन जाना है, तो ये देखेंगे गाइज ये आगे डाउन गई भी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ RSI का। ये देखें, अभी तो आपने ये समझ लिया कि यार मार्केट अगर बॉटम लगाती है तो वो मिड वाली लाइन तक लाजमी जाएगी, और अगर उसने मिड वाली लाइन को क्रॉस करके थोड़ा आगे निकल गई तो फिर ये टॉप वाली लाइन तक भी लाजमी जाएगी। और सेम उसी तरह जब मार्केट टॉप लगाती है तो वो मिड वाली लाइन तक लाजमी आती है, और अगर मिड वाली लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे निकल जाती है तो फिर वो अपना बॉटम ज़रूर मारती है। ये बात तो आपको समझ आ गई, लेकिन इसकी मैं अगर एक और कन्फर्मेशन दे दूँ कि आप यार कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ओपन करो, क्योंकि यहाँ देखिए ना, यहाँ गलत हो गया। ये देखें, यहाँ पर इसने इतना नीचे आ गए, अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करा, तो इसने नीचे वाली लाइन तक आना था लेकिन नहीं आई। मैं इसका बताता हूँ वजह, इसकी क्यों यहाँ पर आपकी पोजीशन आपके खिलाफ गई, क्यों आपकी यहाँ पर SL लगी, मैं इसका आपको भी बताता हूँ। आप यहाँ से गए अपने इंडिकेटर्स में, यहाँ पर आप पहले ऑसिलेटर्स में थे, अब आपने जाना है ट्रेंड्स में। ठीक है, ट्रेंड्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज दिखाई देगा, मूविंग एवरेज को आपने ड्रैग करना है इस जगह पर, ऊपर नहीं। अभी आपने इंडिकेटर्स पे मूविंग एवरेज अप्लाई करनी है, अपनी कैंडल स्टिक्स पे नहीं। यहाँ पर आपने अपने इंडिकेटर में मूविंग एवरेज को ड्रैग किया। अब ये आपसे पीरियड पूछ रहा है कि आपने किस पीरियड का मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने 21 लिख देना है कि मुझे 21 पीरियड का मूविंग एवरेज ड्रॉ करना है, और MA मेथड यानी मूविंग एवरेज मेथड की आपको मेथड कौन सा चाहिए मूविंग एवरेज का। यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके कर देना है लीनियर वेटेड, यहाँ पे ख्याल रखिएगा आपने लीनियर वेटेड करना है। उसके बाद अप्लाई टू क्लोज, नहीं भाई हमें क्लोज का नहीं चाहिए, हम कैंडल स्टिक से थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, हमें चाहिए प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा का। देख रहे हैं गाइस, ये प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा, ये दो चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ और बताया था, इस पर मैं कुछ और स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ, इसका कुछ डिफरेंट वे है। MA मेथड आपका लीनियर वेटेड होगा, और अप्लाई आपने प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा पे करना है। उसके बाद ये चाहे तो आप इसको और बोल्ड वर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सेकंड वाला बेस्ट है मेरे लिए, मैं इस पर कंफर्टेबल हूँ तो मैं ये रहने देता हूँ। इसके बाद आपसे ये कलर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। मेरा कैंडल स्टिक रेड और ग्रीन कलर है, मैं यहाँ से रेड कलर दे देता हूँ इसको। और ये देखें गाइस, मेरे पास एक रेड कलर की मूविंग एवरेज ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये एक मूविंग एवरेज है, हमने ज़रा डबल कन्फर्मेशन लेनी है, तो हम एक और मूविंग एवरेज इसी सेम वे से इसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे पीरियड पूछ रहा है, पहले आपने 21 का दिया था, अब आपने 3 का पीरियड देना है, 3 पीरियड का आपने मूविंग एवरेज लेना है। MA मेथड में आपने एक्सपोनेंशियल ले लेना है, और अप्लाई टू सेम वही प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस इंडिकेटर्स हो ना फर्स्ट, ना वेटेड क्लोज, ना हाई ओपन लो क्लोज, कुछ भी नहीं। यहाँ से प्रीवियस इंडिकेटर्स डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कलर पहले, क्योंकि मैं रेड ड्रॉ कर चुका हूँ तो अब रेड दोबारा मैं करूँगा तो मुझे नज़र नहीं आएगी। यहाँ से मैं इसको लाइम कलर दे देता हूँ, जो कि मेरा चार्ट का भी है। ठीक है, जो भी आपको कलर पसंद है आप वो दें, यहाँ सजेस्ट, मैं इससे कंफर्टेबल हूँ रेड और लाइम से, तो मैं यही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक और मूविंग एवरेज आ गई। अब ये देखें गाइस, अब आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ये देखें, जब भी रेड लाइन ऊपर जाएगी, ये देखें मेरी रेड लाइन, जो मैंने कैंडल स्टिक्स को जो कलर्स दिए हैं रेड वाली, यानी जो सेल वाली कैंडल है मैंने इनको रेड कलर दिया हुआ है, और जो मेरी बाइंग वाली कैंडल्स हैं मैंने इनको ग्रीन कलर दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ आई आपको। मैं यहाँ पर बेयर और बुल की कुछ बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कैंडल्स को बाइंग और सेलिंग कह रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जो न्यूबीज आए हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार बुल कौन सी थी, बेयर कौन सी थी, तो ठीक है आप, मैं आपको बाइंग और सेलिंग कह देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो उसको समझने में। अब ये देखें, मेरी जो बाइंग की कैंडल है वो ग्रीन कलर की है, मेरी जो सेलिंग वाली कैंडल है वो सारी रेड हुई हुई हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये मेरा जो रेड कलर है, ये रेड कलर मेरा सेल की कैंडल को डिफाइन करेगा, और मेरी जो ग्रीन वाली कैंडल है वो मेरी बाइंग कैंडल को बताएगा। अब जब भी ये रेड वाली लाइन इस ग्रीन वाली लाइन से ऊपर रहेगी, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड जो चलेगी वो चलेगी सेल की। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की मेरी कैंडल है, रेड कलर की लाइन है, तो आप इसलिए मैंने इसको एग की जैसा कलर दिया ताकि समझने में आसानी हो। ये देखें, ये रेड वाली लाइन गई इस ग्रीन वाली लाइन से ऊपर, इसका मतलब है कि अब मार्केट सेल की तरफ होगी। तो ये देखें,
ये देखें यहाँ पर बॉटम लगा हुआ है, ये देखें अगर आप सेलिंग कैंडल देखें तो ये देखें कितनी ज़्यादा डाउन गई है, यहाँ पर इसका बॉटम लग गया है, यानी इसको आपको ये अंदाज़ा हो गया कि अब इससे और मज़ीद नीचे नहीं जाएगी, अब इसने ट्रेंड चेंज करके अपसाइड पर आना है। ये देखें अगर आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं इस बॉटम को देख कर, अगर आप यहाँ से एंट्री ले लेते हैं तो ये देखें गाइस, आप बाय पे लगाया था आपने ट्रेड और ये बाय की पोजीशन गई यहाँ तक। अब देखें ये बाय पे जा रही है मार्केट जा रही है, इस जगह को ज़रा गौर से देखिएगा, ये है हमारा टॉप। जब इस टॉप पर आई मार्केट, यानी कि इस जगह पर ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली लास्ट कैंडल जो है, ये कैंडल जब यहाँ पर बनी और ये वाली हमारी ब्लू वाली लाइन इस लाइन को टच कर गई, हमें क्या सिग्नल मिल गया कि अब भाई इसका मैक्सिमम टॉप आ गया है, अब इसने डाउन जाना है, यानी जितना इस मार्केट में चढ़ाव था वो हो चुका है, अब मार्केट ने गिरना है। तो अब यहाँ से आप अपनी सेल की एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, इस कैंडल के बाद से आप सेल की एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद ये देखें गाइस, यहाँ से आपको ये चीज़ तो बता रही है कि यहाँ से सही है सेल की एंट्री ले लो, अगर आप खाली RSI को देख रहे हैं तो वो तो आपको कह रही है कि यहाँ पे इसने टच कर लिया टॉप को, अब सेल के पोजीशन ओपन कर दो। लेकिन मूविंग एवरेज आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर मूविंग एवरेज वाली रेड वाली लाइन ऊपर थी, इसका मतलब था कि मार्केट ने सेल होना है, ठीक है, यहाँ पर रेड लाइन ऊपर थी जिसका मतलब था मार्केट ने सेल होना है, और वाकई में ऐसा यहाँ पर हुआ भी था। ये देखें यहाँ से अगर आप गौर करें तो इतनी मार्केट सेल भी गई थी भाई, ये आपके 34 पे 35 पे मार्केट सेल गई थी, उसने सही बताया था। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर आप देखें सिर्फ ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, रेड वाली लाइन कहीं छुप गई है। अब ये रेड और ग्रीन ये दोनों लाइन चिपकी हुई हैं, जब भी मूविंग एवरेज की दोनों लाइन चिपकी हुई हों आपने ट्रेड नहीं करना, समझे गाइस। आपने यहाँ देखा यहाँ था टॉप लगे, लेकिन आपने आंखें बंद करके पोजीशन नहीं लगानी, आपने डबल कंफर्म करना है कि मुझे मूविंग एवरेज क्या कह रही है, मूविंग एवरेज में कोई रेड कलर की लाइन नहीं, इसका मतलब है कि मार्केट ने अभी डाउन नहीं जाना। तो ये देखें आपने वेट करना है अच्छी पोजीशन आने का। फिर यहाँ पर देखें इसने ऊपर वाली लाइन को टच नहीं करा, आपने दोबारा इसको इग्नोर कर दिया, अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या कह रही है कि मार्केट ने डाउन जाना है, देख रहा है रेड वाली लाइन नीचे आ गई, इसका मतलब है कि मार्केट ने डाउन जाना है। लेकिन ये हमारी ब्लू वाली लाइन क्या कह रही है, उसने ऊपर वाले को टच नहीं करा, यानी हमें मूविंग एवरेज कह रही है सही है डाउन जाएगी, लेकिन हमारी ये जो ब्लू वाली लाइन है इसने हमें कन्फर्म सिग्नल नहीं दिया, तो अब हम दोबारा यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक बंदा कह रहा है यस सेल जाएगी, एक बंदा कह रहा है नहीं जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर वाकई में सेल ज़्यादा गई भी नहीं, मज़ेदार ट्रेड हुई भी नहीं, यहाँ तक आती तो कुछ बात थी, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ तक आई, तो यहाँ से आपने पोजीशन अपनी ओपन नहीं करनी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे अगेन इसने अपना टॉप मारा, मार्केट ने टॉप मारा, और यानी RSI आपसे क्या कह रहा है कि ठीक है सेल करो, लेकिन मूविंग एवरेज आपको क्या कह रही है, मूविंग एवरेज फिर से आपको कुछ नहीं दिखाई दे रही, ग्रीन लाइन चल रही है, आपने दोबारा यहाँ पे वेट करा, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा तकरीबन इसने टॉप मारा मार्केट ने, सॉरी RSI ने, और यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज कह रही है, ये देखें कितना मतलब आपको ये डीप सिग्नल दे रही है, ये आपको रेड लाइन दिखा रही है। अब अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पर आपकी पोजीशन थी, यानी कि आप इस अगर मार्केट को देखें तो आप इस ग्रीन कैंडल को देख रहे थे, इस RSI ने आपको ये बता दिया कि भाई इसका टॉप है, इससे ऊपर और नहीं जाएगी, और उसके बाद आपने यहाँ से सेल तो करना है, लेकिन आपने ये देखना मूविंग एवरेज क्या कह रही है, मूविंग एवरेज ने यहाँ आके आपको कहा कि हाँ सेल कर दो, यानी कि इस जगह पर आपको कहा सेल कर दो। अब यहाँ से आपने अपनी सेल की पोजीशन ओपन करनी है, और ये देखें यहाँ तक आपका मार्केट जो है डाउन ही गया इस जगह तक, ठीक है। आपने एंट्री किस जगह से ली, यहाँ से, और ये गई आपकी पोजीशन, ठीक है, 53 pips, यानी समझ लें 50+ pips। हम तो जो अज्यूम करते हैं या जो हम चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि यार हमें 25-30 pips मिल जाएं, लेकिन ये तो 50+ pips दे रहा है, तो ये तो हमारे मतलब ज़्यादा ही है, जो हम चाहते हैं हम उससे ज़्यादा ही है। तो आपने हमेशा अपनी TP जो रखनी है वो रखनी है 30 pips की, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होते रहती है। मैं आपको H1 का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ, देखें कितने आपके सामने चीज़ें आ रही है, अभी तो और भी बहुत सारे पेयर्स हैं, आप किसी पे भी करें तो आपको आसानी से बहुत ही ईजिली आपको 30 pips, 25 pips, 20 pips तो ईजिली गेन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे। लेकिन मैं आपको जो टारगेट देता हूँ कि आप ज़्यादा लालच ना करें, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया, लालच नहीं करनी, जितना मिल रहा है आप उतना रखें, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, 25-30 pips इज इनफ। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट का बॉटम लगा, यानी मार्केट ने अब जाना था, ये देखें मूविंग एवरेज ने भी कहा कि हाँ अब जाएगी। अब आपने मार्केट में नज़र रखना, ये नहीं आप पोजीशन ओपन करके चले हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेड लाइन ने दोबारा ग्रीन लाइन के दरमियान ढक गई, ठीक है। अगर आपकी TP1 थी तो ठीक है भाई, आपकी TP1 हिट हो गई, अगर आपकी TP1 थी यहाँ पर तो भैया आपका बाय की पोजीशन की TP तो हिट हो गई, जो कि 23.5 pips है, ठीक है,
यानी आपका 20 पिप का जो टारगेट था वो तो आपका हो ही गया। लेकिन अगर आप टीपी 2 के लिए भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत है मूविंग एवरेज का, कि मूविंग एवरेज मुझे क्या इशारा दे रही है। मूविंग एवरेज ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा, ये दोनों लाइन एक दूसरे में समटी हुई, आपने ये छोड़ दिया। उसके बाद आपने देखा मार्केट का दोबारा यहाँ पर बॉटम लगा, आपने यहाँ से अपनी दोबारा पोजीशन ओपन करनी चाहिए, लेकिन मूविंग एवरेज ने आपको कोई ख़ास सिग्नल नहीं दिया तो आपने दोबारा यहाँ पर वेट करा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इसने मिड वाली लाइन को यहाँ से बॉटम लगा के जब ये मिड वाली लाइन को क्रॉस करा तो यहाँ से आप देखें मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज भी कह रही है रेड लाइन बना दिया कि हाँ भाई मार्केट ने ऊपर जाना है। और इसके अलावा जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ये भी कह रही है कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये देखें, ये रहा आपका पोजिशन, तो ये देखें गाइज ये रही आपकी मार्केट और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगेन 530, अगेन आपकी 50 प्लस पिप्स की टीपी एक और लग गई। तो देखा गाइस, ये मैंने आपको 25 टू 30 पिप्स कहा था, ये आपके 50 प्लस पिप्स चाह रहे हैं। कुछ पोजीशन है जिधर शॉर्ट आ रहे हैं लाइक 20 टू 25 पिप्स, लेकिन अगर आप मिड वाली लाइन तक ट्रेड करते हैं तो ठीक है आपको 20 पिप्स वहाँ से गेन हो जाएंगे, लेकिन अगर आप थर्ड लाइन तक जाते हैं तो आपको भाई गाइस 50 पिप्स प्लस गेन हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। एक, पहले आपने RSI को देखना है, RSI मुझे क्या कहती है, और उसके बाद आपने मूविंग एवरेज को देखना है कि मूविंग एवरेज मुझे क्या कहती है। ठीक है, जब ये दोनों सिग्नल एक ही सेम बात कह रहे होंगे तब आपने ट्रेड करना है। अगर दोनों मूविंग एवरेज की लाइन एक दूसरे में चिपकी हुई है आपने तब ट्रेड नहीं करनी, और जब तक RSI टॉप या बॉटम अपना नहीं लगा देती तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर आप इन दोनों बातों का ख्याल रखकर ट्रेड करते हैं तो गाइस मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह आपकी टीपी हिट होगी, आपकी ऐसा नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट में दिखा रहा हूं मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है गाइस, अब एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने वेट करना है मार्केट की अच्छी सिचुएशन आने का। ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो कि यार बस मूविंग एवरेज तो बनी नहीं रही, काफ़ी टाइम हो गया मैं देख रहा हूँ मूविंग एवरेज मेरी दोनों लाइनें चिपकी हुई हैं, मैं ट्रेड कर देता हूँ, भाई ऐसा करोगे तो लॉस होगा। फॉरेक्स में आपको डिसिप्लिन, आपका इमोशनल, आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना पर आप कभी भी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, मेरी तरफ से आप गारंटी ले लीजिए। अगर आप में ये क्वालिटीज़ है तो फिर ही आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आए, वरना आई एम वेरी सॉरी टू से गाइस आप फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो ये साफ बात है, आप कहीं से भी जाके पूछ लें सब आपको यही बताएंगे, तो वो गलत नहीं बता रहे हो, तो वो यही बता रहे थे जो हो रहा होता है। तो ये RSI इंडिकेटर था जो कि ऑसिलेटर मोमेंटम इंडिकेटर कहलाता है, और इससे आपको मार्केट का ट्रेंड का एक तो पता लग गया, बहुत शॉर्ट ट्रेंड है ये। मूविंग एवरेज तो जो मैंने आपको बताया था वो तो काफ़ी आपको लॉन्ग टर्म सिग्नल देती है। अगर आप इसके भी H4 या Day 1 या Week 1 या मंथली में चले जाएँ तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन RSI पे अगर आप छोटी छोटी पोजिशंस या छोटी छोटी पिप्स गेन करना चाहते हैं, लाइक आप 25 टू 30 पिप्स अगर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्री लाइन्स आपने ड्रॉ करनी है, वो भी मैंने ड्रॉ करनी है आपको बता दी है। और इसके अलावा अगर आप को प्रॉब्लम थी एंट्री और एग्जिट करने में, क्योंकि मार्केट में एंटर होना है कब एग्जिट होना है, तो वो भी आपको RSI से क्लियर हो गया। और इसके इंटर और एग्जिट के बारे में मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी वीडियो बनाई थी, आप वो भी देखें तो उससे भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि FX Forever का डिस्कशन ग्रुप है, जिधर आप आपस में एक दूसरे से कोई भी सवाल कर सकते हैं और किसी के भी आंसर कर सकते हैं। तो फिर गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं कुछ आपको न्यू स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आपको बहुत जल्द प्राइस एक्शन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कुछ न्यू स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉरेक्स की। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।